जमीनी विवाद में हुई मारपीट, दो बच्चों से तीन घायल। पिंडा फूलपुर थाना क्षेत्र के पूरा रघुनाथपुर गांव में जमीन की पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष द्वारा खेत में पानी भरा जा रहा था, दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया, जमकर हुई मारपीट। इसमें आशा देवी, शिव प्रकाश, अंकिता व संग्राम पटेल को भी चोट आई है। आशा देवी ने आरोप लगाया है कि जितेंद्र, आशीष, मनीष और नीतीश चारों लोग मिलकर हमें लाठी डंडे से मारे पीटे हैं। पुलिस हम लोगों की सुनवाई नहीं कर रही है, पुलिस उल्टा ही हमारे घर के लोगों को बंद कर रही है। मौके पर 112 PRB मौके पर पहुंचकर स्थिति को जाना और दोनों बच्चों को लेकर थाने गई। दोनों बच्चों के घायलों को 108 एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। एक दिन पूर्व उपरोक्त दोनों लोगों में मारपीट हुई थी। थाने पहुंचने पर एक बच्ची को किसी सिपाही द्वारा गाली देकर भगा दिया गया, जिसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। क्या मामला है? जमीन हमने तो जबरी जोतले रहा ना, गेहूँ भरत रहा ना, हमने पाइप फेंके वही बजे मरल। कौन कौन मारा है? जितेंद्र, आशीष, सतीश, मनीष और नीतीश। किसको किसको मारे हैं? रन्नो और परमिला। किसको किसको मारे हैं? हमारे हमारे हमको हमारे पति को, हमारी दोनों बेटियों को। नाम बताइए। पूनम, पूनम अंकिता और हमके आशा देवी के। और भाई को तो जेल में, भाई के तो जेल में सुबेरा के लड़का के हमारे जेल में सुबेरा के ले जाके बेमतलब का जेल में डल ले रहा है। उसके बाद अब उन सबको गल लाना छोड़ावा, यहाँ पाई चढ़ा के भरत लाना, हमने रोके हैं, हमने के यहाँ मरलन है सब जने। एक मामला भी गया। किस चीज से मारे हैं? पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है? नहीं, पुलिस कोई मदद नहीं कर रही। पुलिस हम लोग को गाली देकर उन लोगों का पक्ष खींच कर चला गया। कहाँ कहाँ मारे हैं? यहाँ मर ले, राड से, लाठी से।